एल्फी सर। करण मेरी बात सुन, करण एक मिनट मेरी बात सुन। थैंक यू, फैन है मेरी। करण मुझे तुमसे कुछ कहना, मैंने यहाँ मायरा को देखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मायरा घर पे यहाँ कैसे होगी? लेकिन मैंने अभी देखा। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मायरा घर पर है यार। उसी तरफ जाते हुए देखा था मायरा को। लगता है भाभी आ गई। Let's start। गिरीश, मायरा ने कहा उसकी तबीयत खराब है। और करीना दी, मायरा को क्या हुआ? आप तो सरला अरोरा के घर गई थी ना उससे मिलने, और मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी आपने। करीना दी, मेरा इरादा तो नहीं था सरला जी के घर जाने का। निकली घर से थी मार्केट जाने के लिए, फिर अचानक से मन हुआ कि सरला जी से एक बार मिल लेती हूँ, सो चली गई। लेकिन करीना दी, मायरा को हुआ क्या है? उसके सर में बहुत दर्द है, मैं एक बार उसे देख लेती। भाभी, मैं गिरीश से यही कहने आई थी कि मायरा ने कहा है उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, अगर उसे किसी ने भी डिस्टर्ब किया तो उसका सर दर्द बढ़ जाएगा। इनफैक्ट उसने ये भी कहा है कि सुबह को भी कोई उसके रूम में नॉक ना करे, जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी वो अपने आप नीचे आ जाएगी। मैडम के सर में नहीं, दिल में दर्द होगा। दूसरों को सर दर्द देने वाली के सर में दर्द हो ही नहीं सकता। हाँ, शैतान की बच्ची, उसकी शैतान माँ ने सरला आंटी को बहुत तकलीफें दी हैं। लेकिन करीना दी, मेरा मन नहीं मान रहा, मैं एक बार मायरा से। भाभी, मैंने आपसे कहा ना, मायरा ने कहा है उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैंने उसे मेडिसिन दे दी है और शर्लिन उसी के कमरे में उसकी देखभाल कर रही है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा शर्लिन संभालेगी या हमें इन्फॉर्म कर देगी। ओके भाभी, मुझे ये बताइए, ऋषभ का फोन आया? हाँ आया था, वो अपनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए वहाँ पहुँच चुका है। बोल रहा था कि वहाँ काम को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा सा वक्त जाएगा, लेकिन इतना भी कहा कि वो कोशिश करके जल्द से जल्द घर वापस आ जाएगा। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी ऋषभ भैया बहुत ही स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और वैसे भी जहाँ ऋषभ भैया है ना, वहाँ का टाइम जोन थोड़ा डिफरेंट है, तब यहाँ दिन होती है तो वहाँ रात, एंड वाइस वर्सा। और जैसे ही ऋषभ भैया का काम खत्म हो जाएगा ना, वो यहाँ आ जाएंगे। रियली समीर, ये बात हमें पता ही नहीं थी। बुआ, मैं तो पता नहीं क्यों थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे दोनों बेटे घर पे नहीं है। चाची, आप कहो तो मैं ऋषभ भैया को बुला दूं? अरे नहीं, वो दोनों जहाँ पे भी हैं अपने अपने इम्पोर्टेंट काम के लिए गए हैं। मैं तो बस यूं ही कह रही। मैं भी यूं ही मजाक कर रहा था, बदमाश कहीं का। हो गया समीर, अब एक काम करो, अपने कमरे में जाओ और चुपचाप सो जाओ। पता है ना, करण और ऋषभ यहाँ नहीं है, ऑफिस तुम्हें ही संभालनी है, तो सुबह जल्दी उठ के ऑफिस चले जाना। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बुआ, गुड नाइट चाची। गुड नाइट बेटा, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। सॉरी, रियली सॉरी। गौर, इस तरह सबसे टकराती रही तो लोग मुझे ही पागल समझेंगे, लेकिन मायरा जैसी लग रही थी वो लड़की। समीर से फोन करके पूछती हूँ।
अरे किसका? प्रीता भाभी का फोन। हाय भाभी, कैसे हो आप? हाँ समीर, तुम घर पे ही हो ना? कहीं बाहर तो नहीं हो? हाँ भाभी, मैं घर पे हूँ। आपको कुछ काम था क्या? हाँ, जरा मुझे फटाफट देख के बता कि माहिरा घर पे है। माहिरा? भाभी आप माहिरा के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरे क्योंकि मुझे अभी इस रिजॉर्ट में जाकर और मैं आया ना, ऐसा लगा कि मैंने माहिरा को देखा है। अरे नहीं भाभी, आपको गलत लग रहा है। माहिरा घर पे ही है। मैडम जी के ना सर में दर्द हो रही है, वो टेंट्रम शो कर रही है। वो अपने कमरे में ही है और उसके साथ शर्लिन भी है। अच्छा, पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने माहिरा को देखा है? एकदम सेम डिट्टो। भाभी आपका वहम होगा, या माहिरा के बारे में ज्यादा सोच रहे होगे, या आपने माहिरा जैसा कोई और चेहरा देख लिया होगा। ओके, हो सकता है। ऐसे भाभी आप करण भाई के साथ हो, उनके साथ थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ी खुशियां मनाओ। छोड़ो ना उस शैतान की बच्ची को, क्या आप भी मतलब तुम्हारे भैया कौन सा शैतान से कम है। भाभी अगर करण भाई एक प्रॉब्लम है तो एक बात बताओ, उनका नाम सुनते ही आपके चेहरे पे स्माइल क्यों आती है? अच्छा, तो अब तुम भी मुझे कुछ ज्यादा ही समझने लग गए हो। हाँ, मुझे पता है ये सब बातें कहाँ से आ रही हैं। ये सृष्टि के साथ तुम कुछ ज्यादा ही घूमते हो। मैडम मैं वार्न कर रही हूँ, सृष्टि के साथ ज्यादा घूमना बंद कर दो। समझ में आई? अब ब्लश करना बंद करो, फोन रखो और जाओ। समझे? ठीक है भाभी, बाय। एंजॉय एंजॉय भाभी। कितना बोर हो रहा है। दीका सही है, शादी करके चले गए, मुझे अकेला छोड़ के यहाँ पे क्या करूं? वो है ना, उसे कॉल करती हूँ। क्या हाल है सृष्टि मैडम, क्या हो रहा है? कुछ नहीं समीर सर, बोर हो रहा है तो सोचा समीर सर को पकड़ के क्यों ना बोर किया जाए, इसलिए बस ऐसे ही फोन कर दिया। चलो अच्छा है, इस बहाने मुझे याद तो किया। चलो बातें करते हैं, आओ। हाँ लेकिन क्या बातें करते हैं? हमारे बारे में और किसके बारे में? हाँ नहीं मतलब हम हमारे बारे में बात करेंगे लेकिन अभी नहीं। पर क्यों? क्या है ना, दी के साथ दिन रात रहने की आदत पड़ गई थी और अब जब दी नहीं है तो उनको मिस कर रही हूँ, उनकी बहुत याद आ रही है। बताओ याद तुम कर रही हो, उनका फोन मुझे आया। दी ने तुम्हें फोन किया और मुझे नहीं? क्योंकि वो तुम्हारी दी से ज्यादा मेरी भाभी हो चुकी है। ओके हेलो, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हारी भाभी होने से पहले वो मेरी दी है। अच्छा ये बताओ दी ने फोन क्यों किया था? उनके कुछ सवाल थे जिनके जवाब सिर्फ मेरे पास थे, तुम्हारे पास नहीं, इसलिए मुझे फोन किया। हैं? कैसे सवाल, क्या बात कर रहे हो? अरे सृष्टि, भाभी के सवाल ये थे कि उन्हें लगा जिस रिजॉर्ट में वो है ना, उन्होंने वहां माहिरा को देखा, इसलिए मुझे फोन किया पूछने के लिए कि माहिरा घर पे है या नहीं। और तुमने क्या बोला? ये कि माहिरा घर पे, मैडम के सर में दर्द हो रहा है, मैडम थोड़े टेंट्रम शो कर रही है और वो अपने कमरे में, उसके साथ वो शर्लिन भी। एक मिनट, तुमने अपनी आंखों से देखा कि वो अपने कमरे में है? नहीं मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन जब मैं तुम्हारे घर से अपने घर आया तब मुझे करीना बुआ ने बताया था। इसका मतलब तुम श्योर नहीं हो? जस्ट बिकॉज करीना मैम ने बोला है इसलिए तुम बोल रहे हो? सामने एक काम करो, जाके प्लीज चेक करो ना कि वो माहिरा अपने रूम में है या नहीं। नहीं सृष्टि, करीना बुआ ने मुझे कहा है कि माहिरा को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसके दरवाजे पे कोई नॉक नहीं करेगा। यार मैं नहीं, बुआ डांटेंगी यार। इसका मतलब जरूर कोई गड़बड़ है। यस हमें प्लीज जाके माहिरा के रूम में चेक करो कि वो कमरे में एक्चुअल में है या नहीं। ठीक है सृष्टि, मैं चाहता हूँ यार तुम मुझसे क्या क्या काम करवाती हो यार, तुम मरवाओगी अगर बुआ को पता लग गया ना, मेरी बैंड बजा देंगे। होल्ड करो एक मिनट, होल्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि दी का शक बिल्कुल भी गलत नहीं है, उन्होंने वहां पर माहिरा को देखा होगा। शर्लिन और माहिरा मेरी दी को टॉर्चर करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, और इस बार तो टॉर्चर करने वाली कोई बात ही नहीं है, इस बार करण जी जो और दी के हनीमून के बीच में आने वाली बात है। समीर, हेलो, जा रहा हूँ सृष्टि, रुको।
अगर मैं पकड़ा गया ना तो तुम्हारी वजह से पकड़ा जाऊंगा। अरे यार तुम नहीं पकड़े जाओगे, तुम ये चिटचैट करना बंद करोगे, तुम जाके प्लीज चेक करो ना कि वो है या नहीं। देख लेना, तुम जैसे उसके रूम में जाओगे ना तुम शॉक्ड हो जाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि मायरा वहां पर है या नहीं। मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा पूरा सिक्स सेंस ये कह रहा है कि मायरा इस वक्त उसके कमरे में नहीं है। मायरा इस वक्त मनाली में है, करण जीजू और दी के रिजॉर्ट में। ठीक है रुको, सिस्टी ये तो मेरे सामने लेटी हुई है। सामने सो रही है? उसका सर दिख रहा है, उसके पैर दिख रहे हैं? एक काम करो, चादर हटा के देखो। सिस्टी अगर मैंने उसकी चादर उठाई ना तो मुझे दुनिया से उठा देगी। मैं जा रहा हूँ। सैमी प्लीज वहीं पे रहना, कहीं मत जाना, मैं पहले बता रही हूँ। तुम हीरो के ना तो देख लेना। मैं कह रही हूँ ना अभी के अभी उसकी चादर हटा के देखो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं अभी के अभी करीना मैम को फोन करके ये बोलूंगी कि तुम अभी मुझसे फोन पे किस मांग रहे थे। चल जाओ चादर उठाओ। उठाता हूँ रुको। ये तकिए, ये सिस्टी यहां तो तकिए तकिए हैं। मायरा और शैलेंद्र तो यहां पर है ही नहीं, पर वो दोनों मनाली में, करण जीजू और दी के रिसोर्ट में। हेलो शर्लिन, तुम्हारा रूम कहाँ है? मुझे मिल ही नहीं रहा है। हाँ वो रिजॉर्ट वाला गार्डन। हाँ ठीक है, आती हूँ। ओके सैमी सुनो। हाँ बोलो। तुम किसी ऐसे दोस्त को जानते हो जो चार्टर्ड प्लेन से हमें अभी के अभी मनाली ले जा सके? हाँ मैं जानता हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो हमें ले जाएगा। अरे वेरी गुड, तो उसको फोन करो ना, हमें अभी के अभी मनाली के लिए निकलना चाहिए। मैं आ रही हूँ। ओके सी यू। प्रीता
जानी थी? करण, मैंने तुम्हें कहा ना, मैंने मायरा को देखा है। प्रीता, मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। यहाँ मायरा नहीं है, तुम्हें मायरा दिख रही है सिर्फ। She is not here. Okay. देखो, मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताने हैं, तो एक दूसरे के साथ टाइम बिताते हैं, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। मैं आपसे एक चीज तो लेना भूल ही गई। क्या? वो क्या है ना सर, आपसे सेल्फी तो ले ली। तो और क्या चाहिए? ऑटोग्राफ रह गया। यशो, that's my new signature. ऐसा क्या है तुम्हारे नए सिग्नेचर में जो ये इतनी हक्की बक्की रह गई? तुमने देखा नहीं? नहीं, देख नहीं पाई। मैंने लिखा करण प्रीता लूथरा। क्यों? जब तुम अपने नाम के बीच में मेरा नाम ऐड कर सकती हो, तो मैं अपने नाम के बीच में तुम्हारा नाम ऐड नहीं कर सकता क्या? चले। पागल। करण से दूर रहो, और सिर्फ दूर नहीं रहना, उसके बारे में सोचो भी मत। समझ में आया? हाँ। आप बट मेरी बात ध्यान से रखना। ये क्या था? ये क्यों गई थी करण के पास? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, वो प्रीता कम है क्या? मायरा रिसेप्शनिस्ट है, उससे अपना वो कंपेयर क्यों कर रही हो यार? रिसेप्शनिस्ट तो कोई भी हो, लड़की है ना। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती करण के पास किसी भी लड़की को। ओके फाइन, मेरी बात सुनो, तुम ऐसे खुले में क्यों घूम रही हो? अगर प्रीता ने तुम्हें देख लिया होता ना, तो मैं अभी के अभी रिसोर्ट छोड़ के जाना पड़ता। अच्छा, तुम लाई? हाँ, कमरे में। लेट्स गो। साड़ी जमीन पे लग रही है। मैं पकड़ लेता ना। तुम इस तरह मेरी साड़ी पकड़ के चलोगे? छोड़ो इसे। ये हमारे रूम के सामने शॉलिन, क्योंकि पूरी रिसोर्ट में एक ही कमरा खाली था जिनके कमरे के सामने, और अगर हम कोई और जगह पर रहेंगे तो इन पर नजर कैसे रखेंगे? सो इट्स बेटर कि हम यहाँ पर हैं। चल, कमरे के सामने। हाँ माहिरा, करण और प्रीता के कमरे के सामने। चलो। थैंक यू। वेलकम सर। Thank you. Have a great day, sir. क्या देख रहे हो? तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? I don't know किसको अट्रैक्ट करने के लिए सब सजाते हैं। अट्रैक्शन तो है ही नहीं। मतलब? मतलब मैं बहुत थक गया हूँ, फ्रेश हो जाते हैं, डिनर के लिए चलते हैं। ओके। मैं भी अपने कपड़े निकाल लेती हूँ बैग से। प्रीता, तुम आज रात को ना अपनी वो सेक्सी वाली नाइटी पहनना। क्या मतलब? तुमने तो कहा था कि मैं काउच पे सो सकती हूँ ना। तो मैंने कब कहा कि सेक्सी वाली नाइटी पहन के मेरे साथ बेड पे सोना? तुम सेक्सी वाली नाइटी पहन के काउच पे सोना?
मैं अपना अच्छा वाला नाइट सूट पहन के बेड पे सोऊंगा। अच्छा तो तुम मजाक कर रहे हो मुझसे। तुम देखना यहाँ से जाने से पहले तुम्हारे साथ एक इतना बेकार मजाक करूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखूं। ओह रियली? देखते हैं कौन मजाक बनता है और कौन मजाक बनाता है। डन। ये देखो मायरा, ये है वो नशे वाली टैबलेट।